प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, तो आप इनमें से क्या चुनोगे? पहला, 5 साल का मेहनत और 50 साल की खुशियां, या फिर दूसरा, 5 साल की खुशियां और 50 साल तक मेहनत। कोई भी पहला ही चुनेगा ना। ये 5 साल अगर आप अपने जीवन का मेहनत एक ऐसे कोर्स के पीछे कर सकते हैं जो आपको 50 साल तक खुशियां ही खुशियां दे सकता है, तो वैसा कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट के लाइफ में एक ही है, और वो है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ये CA कोर्स कैसे जिंदगी बदल सकता है, इसको बयान करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये 5 साल हमसे क्या क्या डिमांड करता है कि हम वो CA कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, हम आज इस वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पूरे वीडियो को सुनेंगे। आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज CA सतीश जलान, योर मेंटर फॉर CA कोर्स। आई हैव बीन टीचिंग CA स्टूडेंट्स सिंस 13 ईयर्स। सेवरल ऑफ आवर स्टूडेंट्स have also secured All India ranks. In this YouTube channel, I continuously make videos for guiding CA students throughout their journey. अगर आप मुझसे कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस बनाएं, उसका अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो डेफिनेटली लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, और अगर आप मुझसे कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट में मुझसे बात जरूर करें। फ्रेंड्स, CA बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं, तो आप भी CA कर सकते हैं। मैं बहुत ही रिसर्च के साथ आपके साथ ये सारी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ 6 बातों में कवर करूंगा। मैं एक बार जस्ट आपको बता दूं कि पहला मैं आपके साथ कवर करूंगा कि CA अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। दूसरा, मैं आपके साथ कवर करूंगा कि इसमें पास परसेंटेज क्या है। तीसरा, वी विल कवर कि इसमें टाइम एंड मनी का इन्वेस्टमेंट क्या है। चौथा, इसका रिवॉर्ड यानी कि प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर CA कैसा है। पांचवा, CA पढ़ने के लिए स्टडी आवर्स कितना लगता है, उतना देर आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। और छठा, इन स्टडी आवर्स में क्या क्या रिसोर्सेज या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस 6 पॉइंट पे सारी बातों को समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आप CA कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। SJC इंस्टीट्यूट CA के सारे स्टूडेंट्स को राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द फाइनल लेवल, हर लेवल पे 100% गाइडेंस प्रोवाइड करता है। पहला, जब CA के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट से कुछ एक्सपेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं कमिटमेंट लेवल। बहुत बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर, क्या लक होना जरूरी है CA बनने के लिए, या मेहनत करना जरूरी है? फ्रेंड्स, जब हम भी CA बनने आए थे, तो हमें भी यही सवाल सताता था, बिकॉज हम अपने टाइम पर काफी अनलकी थे, हमारे ऊपर भी लक जरा सा भी नहीं था। हमारे समय में बताया गया था कि सिर्फ 100 में 1% बच्चे CA बनते हैं। देखने का नजरिया 2 हो सकता है, कि 99% पास नहीं होते हैं इसलिए CA नहीं करना चाहिए, और देखने का नजरिया यह भी हो सकता है कि 1% तो पास होते ही हैं, इसलिए मैं उस 1% में आ ही जाऊंगा, वो 1% भी तो इंसान है, और मैं भी वैसा इंसान बन के दिखाऊंगा। तो मैं अपने टाइम पर यही सोचा और CA में कूद गया, आगे बढ़ गया। इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही चीज उम्मीद करता है कि अगर आप कमिटेड हो, तो मेरे पास आ जाओ,
अगर आप राह पे चल सकते हो, गिरोगे उठ जाओगे तो मेरे पास आ जाओ, अगर गिर जाओगे गिरे रह जाओगे तो मत आओ, गिर के उठ सकते हो तो मेरे पास आ जाओ। ऐसा हिंदुस्तान क्या विश्व में सिर्फ एकमात्र ही कोर्स होगा जिसमें फेल हो होकर पास होने वालों का भी डिमांड रहता है। हमारे पास कुछ एचआर कंसल्टेंसीज आते हैं जो हमें बोलते हैं, हमें ऐसे बच्चों की प्रोफाइल दीजिए जो मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट देकर सीए बने हैं, क्योंकि वो फेलियर से लड़ना जानते हैं तो शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुल आगे जाकर हो जाएंगे। बहुत ही अजीबो गरीब बात है, लेकिन ये फैक्ट है, ये सत्य है। लक का जो बात है वो सिर्फ 1-2% स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है जिनकी मार्क्स बाउंड्री लाइन पे रहती है। कभी कभी इंस्टीट्यूट हमसे जो उम्मीद कर रहा होता है हम उस उम्मीद को समझ नहीं पाते और हम अपने मन से कुछ करके आ जाते हैं एग्जाम में तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये लक हो गया। और कभी कभी हम जो कर रहे होते हैं वो इंस्टीट्यूट से मिसमैच रहता है, आपको वो सही लग रहा होता है बट इंस्टीट्यूट से मैच नहीं होता तो आपको बैड लक लगता है। बट पॉइंट इज, अगर आप इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन को समझेंगे कि वो अपने स्टूडेंट से क्या चाहते हैं, किस तरह का आंसर चाहते हैं, अगर आप उसको समझोगे तो डेफिनेटली आप अपने उस लक फैक्टर से एलिमिनेट होकर हार्डवर्क से जो चाहते हो वो पा सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 वेरी सिंपल, कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट बोलता है आप कमिटेड रहो और हमारे एक्सपेक्टेशन को समझो। SJC में जब हम क्लासेस कराते हैं तो हर स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन से रूबरू कराते हैं, ना कि सिर्फ अपना ओपिनियन देते हैं। इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन को समझ के पढ़ाई करने से आपका लक फैक्टर वाला चीज एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ आप अपने कमिटमेंट से सीए बन जाते हैं। दूसरी बात जब हम आपके साथ अभी कर रहे हैं तो वो है पास परसेंटेज। हालांकि मैंने पहले बोला था कि 1% ही रिजल्ट होता है, बट वो इतिहास है। विथ बेटर सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड थ्रू सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आजकल ये रिजल्ट परसेंटेज बहुत ही बेटर हो गया है। ऊपर से इंस्टीट्यूट के तरफ से भी स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज वॉल्यूम में आने लगे हैं जो एक ज़माने में नहीं आते थे, इसलिए पास परसेंटेज अब वैसा नहीं रहा, बहुत ही बेहतर हो चुका है। CA के एग्ज़ाम में 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन में पास परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 25% देखा गया है, इंटर में पास परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 18-20% देखा गया है और फाइनल में अप्रॉक्सीमेटली पास परसेंटेज 12-15% तक का देखा गया है ऑन एन एवरेज। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अपने लिए पास परसेंटेज निकाले वो उतना सेंसिबल नहीं होता है, अगर निकाले तो वो 2-2.5% आता है बट वो उतना सेंसिबल नहीं होता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे लैक ऑफ गाइडेंस के कारण, लैक ऑफ कमिटमेंट के कारण भी एग्जाम देते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम 1-2 पेपर देते हैं और फिर बीच में निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है। इस कारण से रिजल्ट का जो परसेंटेज आपको दिख रहा होता है वो अंडरस्टेटेड दिख रहा होता है। अगर आप सीरियस बच्चे, कमिटेड बच्चों का परफॉर्मेंस को देखोगे तो 100 में से 90%+ बच्चे हमेशा एक ही बार में सीए बनते हैं, हर लेवल को एक ही बार में पास करते हैं। तो खाली बात यही रह जाती है कि आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट कैसा है। आप ओवरऑल मार्क्स को नहीं देखेंगे जितने जन एग्जाम देते हैं, बट अगर आप सीरियस स्टूडेंट को देखेंगे अपने आसपास तो वो सब एक ही बार में ज़्यादातर सीए बनते हैं, उसमें सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। ओके, तीसरी बात हम आपके साथ करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है इस सीए कोर्स में। देर आर 2 इन्वेस्टमेंट, एक तो समय का और दूसरा मनी का। पहले समय की बात करूं कि जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते समय आपको बोला था, 5 साल दीजिए और 50 साल की खुशियां मनाइए, तो ये सीए कोर्स अगर आप क्लास 12 के साथ साथ स्टार्ट कर देते हो तो 5 साल में पास किया जा सकता है।
या फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट करते हो तो उस समय 4 साल का वक्त लगता है अगर आप एक एक बार में सीए बन जाते हैं तो. सो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन दिस सीए कोर्स इज 5 years विच कैन गो अप टू समटाइम्स 5.5 years अगर आप एकदम स्टार्टिंग से पकड़ सकते हैं तो. तो ये 5 साल ऑन एन एवरेज जो हम लोग बोलते हैं, दिस कैन रियली चेंज योर लाइफ इफ यू ऑल्सो मीट अदर क्राइटेरियाज दैट आई एम गोइंग टू शेयर. ऑफकोर्स देर आर कंसर्न्स विथ फाइनेंशियल्स वेन यू आर डूइंग सीए. तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि कॉमर्स वर्ल्ड में अगर सबसे प्रीमियम कोई कोर्स है और सबसे कॉस्ट लेस या लेस कॉस्टली कोर्स अगर कोई है तो वो सीए ही है. जिस तरह का ये नॉलेज देता है, जिस तरह का ये इंसान को बदलता है, स्टूडेंट को बदलता है अपने इस 5 साल में, और उसके अगेंस्ट में जो इसमें इन्वेस्ट होता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है. हाउएवर सीए इंस्टीट्यूट जो सीए कोर्स करवाता है और सीए की डिग्री देता है, वहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन इंटर फाइनल मिलाकर 1 लाख से भी कम होता है इन द स्पैन ऑफ दिस 5 years. इसके अलावा कोचिंग की सुविधाएं आप जितना लेंगे उनके हिसाब से अलग अलग कोचिंग की अलग अलग होती हैं, जिसको मैं अभी यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा. बट इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको पूरा सीए 5 साल में बना देता है. नेक्स्ट डिस्कशन आता है प्रोस्पेक्ट्स, कि सीए बन जाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा. इंटरेस्टिंगली बहुत बच्चों को यह लगता है कि बहुत हो गया सीए सीए, जहां जाओ वहां सीए, जहां जाओ वहां सीए. लेकिन ये मत भूलना कि जितनी जरूरत है उसका सिर्फ 10% ही इंडस्ट्री में सीए एग्जिस्ट करता है. जितने सीए की मार्केट में जरूरत है उसका सिर्फ 10% सीए ही इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है. 90% का रिक्वायरमेंट है. ये जरूर है कि टाइम लग जाता है, इमीडिएट पास होने पर कभी कभी जॉब नहीं लगता है इंस्टेंटली, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months आफ्टर पासिंग सीए हर एक को अपना ड्रीम जॉब मिल जाता है. ये सीए कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं टॉप कंपनीज में भी, कोई सीए फर्म में भी. ये सीए बनने के बाद आप अपना सीए फर्म खोल सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल बनकर सीए की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट बहुत सारे एम्पैनलमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है. यानी आपके लिए खुद इंस्टीट्यूट के तरफ से साल में 2-4 काम ऐसे आ जाते हैं जिससे आपका पूरा साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बिजनेस तो आराम से निकल जाता है. तीसरा, सीए इतना स्किल्स आपके अंदर डाल देता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, वर्ल्ड कैसे चल रहा है, कि आप बहुत बार एस्पायर करते हैं कि मैं अपना ही कोई स्टार्टअप करूं या अपना ही कोई बिजनेस करूं. या फिर अगर आपके फैमिली का कोई बिजनेस है तो अगर वो बिजनेस, मान लीजिए हमारे फोर फादर्स या फादर ने स्टार्ट किया था अपने मेहनत से, तो उनको समझ में आता है कि जिस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज बिजनेस की बढ़ रही है उसके लिए मुझे एक ट्रस्टवर्दी सीए की ज़रूरत है, और वो आप भी हो सकते हो और आप अपने फैमिली बिजनेस में भी 4 चांद लगा सकते हो. जो जो सीए जहां जहां गए हैं उन्होंने वहां वहां अपने आप को निखारा है और उस काम को भी संवारा है. इस पूरे प्रोसेस में इंस्टीट्यूट के तरफ से भी बहुत सारी एक्टिविटीज इंस्टीट्यूट करवाते रहता है जिससे कि एक सीए और आगे बढ़ते रहे. और ये 5 साल के बाद मैजिकल बात यह है कि आपको फिर किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ती है. आप खुद ही इतने केपेबल हो जाते हो कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइफ में अब कुछ भी कर लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे, अपने परिवार को तो पाली लेंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर सकेंगे. आप मेरी बातों को विश्वास करने के लिए कोई भी जो सीए को आप जानते हो, जो 5 साल 10 साल अपने सीए डिग्री के साथ बिता चुके हैं,
आप उनकी जर्नी को खाली देखिए, जाकर ऑब्जर्व करिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे मत जाइए, बट लॉन्ग टर्म में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है आप उनको देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके पास कुछ नहीं है वही सीए करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो उनको तो सीए करना ही चाहिए, क्योंकि सीए आपको सोसाइटी में एक वैल्यू, एक पोजीशन दिलवाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाता है। आपके ऊपर सीए डिग्री के कारण बैंक्स ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि आपको बिना किसी कोलेटरल के भी वो लोग सपोर्ट, फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन पे ट्रस्ट करके। आज तक मेरे नॉलेज में सीए के अलावा इससे वैल्यूएबल कोर्स और कोई भी नहीं आया है। हालांकि सीए के कॉम्पिटिंग कोर्सेज भी हैं, सीएमए और सीएस जिनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं, बट उनकी भी वैल्यूज अपने जगह है। अगर इन तीन में सबसे प्रीमियम कोई बोला जाएगा तो ये बात कोई भी स्वीकार करेगा कि वो सीए कोर्स ही है। सो अगर आप प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि आप सीए बनिए, आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है, और उसके बाद आपको 50 साल जिंदगी कैसे जीना है उसकी प्लानिंग करनी अपने आप को आ जाती है। स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं सीए में घुसने के पहले कि सर इसको पढ़ने के लिए कितना आवर्स ऑफ स्टडी करना पड़ेगा। हालांकि सब यही कहते हैं आवर्स ऑफ स्टडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ स्टडी और क्वालिटी ऑफ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेटिस्टिक्स बता दूं। फाउंडेशन लेवल में टोटल कोर्स आपको पहले एक बार पढ़ने के लिए 500 घंटा लगता है, और वो कोर्स हम लोग 5 महीने के स्पैन में पढ़ते हैं, तो दिन का मैक्सिमम 3 to 4 hours a day होता है। नॉर्मली हर एक लेवल में एक मेन पढ़ाई है, यानी कि कंसेप्ट सीखने का समय है, और दूसरा उस लेवल का रिवीजन पीरियड है। रिवीजन पीरियड में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो एग्जाम के 2 महीना पहले होता है, फाउंडेशन में, फाउंडेशन के लिए 2 महीना हाथ में रखना चाहिए, और उस समय कम से कम 10 घंटा पढ़ना चाहिए, और वो अगर आप थोड़े से कमिटेड हो तो वो 10 घंटा पढ़ने का आदत आ ही जाता है। वो कोई एक साथ 10 घंटा नहीं पढ़ना है, टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक ले लेके आराम से पढ़ना है। इंटर में जब हम आते हैं तो इंटर का कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 1500 आवर्स का है, जिसको आपको 7 मंथ्स में कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का थोड़ा सा लोड फर्स्ट टाइम में ज़्यादा होता है। इसमें 7.5 आवर्स अ डे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ता है, कभी कभी वो 10 घंटा भी हो सकता है अगर आपका कोई कारण से कोई दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो, उसको मेकअप करना पड़ता है। और फिर रिविजन पीरियड इंटर में वापस 2 महीने का होता है, कभी कभी वो 3 महीने तक भी कुछ लोग कर सकते हैं अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो उसमें वही आपको 10 से 12 घंटा पर डे पढ़ना पड़ता है। फाइनल में हम आते हैं तो फाइनल का कोर्स अप्रॉक्सीमेटली आपका 2300 से 400 घंटा का स्टडी पीरियड होता है, जो आपको एक 2 साल के स्पैन में कवर करना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज पर डे की स्टडी आपकी सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही आती है, और उसके बाद रिवीजन पीरियड होता है जो करीब 5 से 6 महीने का होता है, जिसमें वही 10 से 12 घंटा तक आपको पर डे बेसिस में पढ़ना पड़ता है। तो एक बेसिक आउटलुक आपको मैंने दिया कि ये इसका कमिटमेंट लेवल है। अगर आप इतना समय इसको दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस विच यू हैव टू ज्वाइन आफ्टर इंटरमीडिएट, तो फिर डेफिनेटली आप सीए बन सकते हो, और बन ही रहे हैं यार, ये कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट लेवल नहीं है। ये कमिटमेंट लेवल है आपके आने वाले 50 साल को संवारने का, तो इसको लेके आपको पॉजिटिव माइंड से समय निकालने का सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे कि अगर मैं इतना समय यही सबको दे दूंगा, पढ़ाई को ही दे दूंगा, तो मैं बाकी चीज कब करूंगा, इसी बात को मैं समझाने के लिए बोला था कि अगर आप 5 साल का हार्ड वर्क कर सकते हैं तो 50 साल बाकी सब चीज करने के लिए वक्त रहेगा आपके पास। ऐसा एक कहावत है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू स्लीप आफ्टर यू डाई।
आराम करने का, स्लीप मतलब आराम करने का बहुत समय है जब हम मर जाएंगे। बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट आता है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। तो अपने आप को अगर अमीर बनाना है, अपने आप को अगर सक्षम बनाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सोने के लिए, आराम करने के लिए बाद में बहुत वक्त मिलेगा। लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऐसा एनालिसिस करो कि अगर आपको आगे जाना है और आप एक सर्कल में वॉक कर रहे हो, एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड स्टॉप वॉकिंग इन अ सर्कल, इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड स्टॉप वॉकिंग इन अ सर्कल, यू हैव टू वॉक ऑन अ स्ट्रेट लीनियर पाथ, यू हैव टू वॉक ऑन अ लीनियर पाथ, जिससे कि आप आगे बढ़ सके। आप सर्कल में वॉक करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आप वापस वहीं के वहीं आ जाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन आपको आपके मेंटर्स देते हैं, आपको आपके टीचर्स देते हैं, आपको आपके सीनियर फ्रेंड्स जो होते हैं वो देते हैं, आपको आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो सीए हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो देते हैं। सही पर्सन के पास जाके गाइडेंस लो, उनको मेंटर बनाओ और आगे बढ़ो। उनकी लिमिटेशंस को भी समझो कि वो आपको कहाँ कहाँ पे गाइडेंस नहीं दे पा रहे, तो उनसे ऊपर कौन आपको गाइड कर सकता है, उनको मानो, उनको ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। इंटरेस्टिंगली ये सीए की दुनिया में सारे सीए यही चाहते हैं कि और भी लोग सीए बने। जैसे कभी ऐसा होता है किसी किसी प्रोफेशन में कि मैं अगर बहुत अच्छा एक्टर बन गया तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे एक्टर बनो, क्योंकि फिर मेरा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। बट सीए की दुनिया एक अलग दुनिया है। यहाँ पर हर कोई यही चाहता है कि अगर मैं सीए बन गया तो मैं सबको इतना गाइड करूं कि आप भी सीए बन जाओ। ये एक ऐसा यहाँ पे एक परिवार है जिसमें आप किसी को भी रीच करोगे वो आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं। और ये डिजिटल वर्ल्ड है, आज तो हर बच्चा हर जन के पास भी पहुंच सकता है और गाइडेंस ले सकता है। ऑल राइट, सो राइट डायरेक्शन से कोई भी सही जगह पहुँच सकता है। अगर आप सर्कल में वॉक करोगे तो शायद आप मेहनत करते रह जाओगे, रिजल्ट आपके हाथ नहीं लगेगा। सो राइट मेंटर्स, राइट इंस्टीट्यूट, राइट फ्रेंड्स को चूज करिए जो आपको सही रास्ता दिखा रहे आगे बढ़ने के लिए, जो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। आप उनको बस मान के आगे बढ़ जाइए और देखिए ये सीए की जर्नी आपके लिए कितनी आसान हो सकती है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप इंस्टीट्यूट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो और एक बार में सीए बन भी सकते हो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सीए बनना, बस आपको ये समझना है कि क्या चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ आप अपने तरफ से ला पा सकते हो कि नहीं सकते हो। अगर ला सकते हो तो सीए आपका होगा ही होगा। सूनर और लेटर एवरी वन विल बिकम अ सीए। अगर किसी ने राह में चलने का ठान लिया है तो वो सीए ज़रूर बनता है। जो रुक जाता है, जो थम जाता है, वो अटक जाता है, लेकिन जो चलते रहता है वो ठीक सीए बन जाता है। ऐसा सोचो सिर्फ कि कोई प्लेन भी तो उड़ाता ही है, स्पेस में जाता ही है। मैं जब पहली बार किसी को ट्रक चलाते हुए देखा तो मैं ये सोचा ये ट्रक कोई कैसे चला सकता है इतना बड़ा गाड़ी। उस समय मैं साइकिल सीख रहा था, मुझसे साइकिल नहीं चल रही थी और वो ट्रक चला रहे। तो हर इंसान मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कर ही रहा है, बट वो तभी कर सकता है जब उसको करने के लिए उसको सही साधन मिलेगा, उसको करने का जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको मीट कर पाएगा और उसको सही गाइड या सही मेंटर मिलेगा। गाइड बिना हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको अगर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है सीए की जर्नी में, आप बेझिझक हमारे इस नंबर पे कॉल करें और हमसे बात करें और हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो जो आप हमसे बात नहीं करके पूछना चाहते हैं बट हमें ऐसे ही पूछना चाहते हैं जिसके लिए हम आपको एक वीडियो बना के भी दे सकते हैं,
तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।